हाय दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी। लड़ाई और झगड़े होने पर अक्सर आप लोग ये देखते होंगे बहुत से लोगों के कि हाथ और पैर में कंपन होने लगती है, ऐसे ऐसे आंखें ऐसे लाल होने लगती हैं, झुनझुनाहट सा पूरे शरीर में होने लगता है। किसी भी व्यक्ति से अगर उनके झगड़े हो गए या झगड़ा होने वाला हो या कुछ ऐसे गुस्से में बात हो गई हो या क्रोध आ गया हो तो ऑटोमेटिक ऐसे हाथ हिलने लगते हैं, पूरे शरीर कंपने लगती है, आंखें बहुत से लोगों की लाल हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही गजब की है। आज ऐसे लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा कि जो लोग ये सोचते आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दोस्त, मैं हूं दिनेश। आज मैं इसमें बात करूंगा कि अगर आपके भी लड़ाई झगड़े में हाथ पैर हिलते हैं या कांपते हैं, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और एक छोटी सी बात आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो मैं आप तक हर दिन शेयर कर सकूं। दोस्त, जानते हैं क्यों होता है? जैसे कि इसमें पांच कंडीशन में रखा हूं, पांचों चीजें अगर होती हैं जिनके साथ, तो हकीकत में उन्हीं लोगों के साथ होता है। पहली चीज ये होती है, देखिए मेरी बात, डर सबको लगता है। कोई कितना भी पहलवान हो, कितना भी बड़ा बलवान हो, डर हर किसी को लगता है। कहीं ना कहीं दिल में डर जरूर लगता है जब झगड़े होने वाले होते हैं, तो है कि नहीं? राइट बात है दोस्त। अब कोई जबरदस्ती कर ले, नहीं मुझे किसी से नहीं डर लगता है, डर सबको लगता है, ये हकीकत में। तो डरने की बात तो है ही है भाई। देखिए, झगड़ा है तो कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है शांति से रहो, झगड़ा ना हो, लेकिन जब झगड़े होने लगते हैं तो डर ऑटोमेटिक सबके अंदर क्रिएट होने लगता है। तो वहीं से बहुत से लोगों में हाथ पैर कांपने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। जो दूसरी पॉइंट इसमें है, दूसरी पॉइंट है, जो लोग अधिक चिंता या मानसिक तनाव में रहते हैं। जानते हैं किसके हाथ पैर कांपते हैं, किसके मतलब ये सब चीजें किन लोगों के साथ होती है? जो लोग मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिन लोगों को मतलब बहुत उलझने रहती हैं, जो लोग बहुत कुछ सोचते हैं, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, तो कोई भी बात को लेकर, तो उनके अंदर की चीजें वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा होता है कि जरा सा भी दिल पे अगर कोई प्रेशर आया तो तुरंत उनके साथ ऐसा होने लगता है, तुरंत। तीसरी पॉइंट इसमें जो मैंने रखा है, तीसरी पॉइंट है, जो दूसरों की बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं या दिल पर लगाते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब वो अपनी बातों को ध्यान नहीं रखते, दूसरे की बातों पर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। कोई उनसे कुछ कह दे तुरंत सीरियस हो जाए, दूसरों की बातों को तुरंत सीरियस भी लेते हैं, दिल पे लगा लेते हैं, कोई भी बात हो तुरंत उनके दिल पे। जैसे बहुत से लोगों को आप कहते नहीं हो यार, कोई भी बात होता है ये दिल पे लगा लेता है, यार इससे कुछ कहने लायक है ही नहीं। तो वही चीज़ें होती हैं कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है तो उन लोगों के साथ ऐसी जरूर होगी। जो चौथी पॉइंट इसमें मैंने रखा है, नॉर्मल से अधिक सेंसिटिव होना। जैसे कि बहुत नॉर्मल, देखिए आप, नॉर्मल इंसान कैसा होता है आप लोग समझ सकते हैं कि नॉर्मल इंसान हमेशा हंसता है, किसी चीज़ को बहुत जिक्र नहीं करता है, मानसिक तनाव में नहीं रहता है, कोई भी कितनी भी बड़ी चिंता हो चिंता से दूर रहना चाहता है। तो अगर नॉर्मल इंसान ऐसे होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा सेंसिटिव इंसान जो होते हैं उनके साथ अक्सर यही चीज़ें होती हैं, तनाव, मानसिक तनाव, कोई भी चीज़ होती है। आप लोग देखते होंगे जैसे कि जब भी किसी से झगड़ा होने वाला हो या झगड़े होने की पॉइंट क्रिएट होने वाली हो या झगड़े में आप चले गए या क्रोध आपको आ गया, तो आपके दिल पे ऐसा अटैक होता है, ऑटोमेटिकली आपकी मांसपेशियां जो हैं ये आपको सिग्नल करने लगती हैं, ये सिग्नल करने लगती हैं, आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं, जो धड़कनें होती हैं बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि मुझे मतलब अब क्या कर दूँ, मतलब कि वो चीज़ें आपको ये सिग्नल करती हैं, या तो झगड़े कर लो भाई या तो भाग लो तुरंत यहाँ से। मांसपेशियां ये सिग्नल करती हैं, तभी हाथ और पैर कांपने लगते हैं, आंखें लाल होने लगती हैं, ऐसा चीज़ होता है इंसान के साथ, जिस इंसानों के साथ ऐसा होता है। जो पाँचवीं पॉइंट इसमें मैंने रखा है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी इंसान किसी भी प्रकार का नशा करता हो, चाहे शराब का, सिगरेट का, बीड़ी का, गुटखा का, किसी भी प्रकार का नशा करता हो, तो उसके साथ तो 100% चांस है उसके साथ ऐसा जरूर होगा, उसके साथ जरूर ऐसा होने वाला है कि जैसे उससे किसी से झगड़े होने वाले हो, कोई भी चीज़ें होने वाली हो, तो जरूर के जरूर उसके हाथ और पैर कांपने लगेंगे। अब आपका सवाल ये हो रहा होगा आपके मन में, तो भाई मैं क्या करूं यार, मेरे साथ ऐसा होता है। तो देखिए, मेरी पांचों बातों पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपके साथ बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही इलाज है। मैं इसमें ये नहीं बताऊँगा कि ये घरेलू उपाय है, रामबाण इलाज, इसको कर लो फिर ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव में मत रहिए, किसी भी प्रकार का चिंता मत कीजिए, कोई भी चिंता आएगा आपके साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इंसानी ज़िंदगी में आपके ऊपर प्रेशर आएंगे, मानसिक तनाव भी आएंगे, उसका आप हल निकालिए, उसी चीज़ को लेकर आप एक दो दो तीन तीन महीने स्ट्रेस में मत रहिए यार, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए। किसी की बातों को सीरियसली मत लीजिए, दिल पर मत लगाइए, जो है उसको टाल दो यार कह के,
इस चीज़ को अगर आप करते हो तो अब आप किसी भी प्रकार का नशा ना करें तो बेहतर होगा। खासकर बहुत से लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप पे यार नहीं चल पाता आपके साथ, तो एक एक करो यार। जैसे सिगरेट आप दिन में 10 पीते हो तो एक पियो, धीरे धीरे आदत अपनी छोड़ने की कोशिश करो, नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा और लोगों को देखने में ये लगेगा कि आप डरते हैं, आपको डर लग रहा है। अक्सर बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें के साथ ऐसा जरूर होता है। अगर पांचों पॉइंट आपने समझ लिया स्टेप बाय स्टेप तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी हेल्थ संबंधी टिप्स मिले तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी होगी उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी नॉलेज वीडियो हेल्थ संबंधी जानकारी मैं आप तक हर दिन शेयर कर सकूँ। तब तक मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गुड लक।